हम भी जदयू में हैं, हम जिला अध्यक्ष हैं गया में जदयू के। हाँ, पार्टी के अंदर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? नहीं नहीं, कि हम लोग वोट उसी को देते हैं, ठेपा हटाएंगे हम लोग अपना। 29 दिसंबर को 50,000 बर्णवाल परिवार के लोगों को बुलाएंगे, अप्रैल में 2,00,000 लोगों को बुलाएंगे पटना में। हम वैश समाज के लोग हैं, बनिया समाज के लोग हैं, अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं, अपने व्यवसाय और धर्म पे विश्वास रखते हैं। हम सरकार चलाते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम पार्टियां चलाते हैं, हम चंदा देते हैं, हम रंगदारी देते हैं, हम गोली भी खाते हैं और हम गाली भी खाते हैं। साजिश के तहत तोड़ दिया गया है कि बर्णवाल जाति को, वैश्य जाति को सड़कों पर उतरना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। जब जागो तब सवेरा। क्या ऐसा था? हमारी आबादी इस बिहार के धरती पे, हम वैश्य समाज के लोग हैं, बनिया समाज के लोग हैं, अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं, अपने व्यवसाय और धर्म पे विश्वास रखते हैं। हम सरकार चलाते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम पार्टियां चलाते हैं, हम चंदा देते हैं, हम रंगदारी देते हैं, हम गोली भी खाते हैं और हम गाली भी खाते हैं। और मुख बधिर होके, मुंह में ताला लगा के लास्ट पायदान में बैठते हैं ताली बजाने के लिए, श्रवणकर्ता के रूप में। अब जाके अब जागृति आई है हमारे बर्णवाल। गोली और गाली अब बर्णवाल समाज नहीं खाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कब तक सहेंगे अपमान? और राजू बर्णवाल को नहीं, बल्कि हमारे खून और खानदान को राजनीतिक में चाहिए सम्मान। आप राजनीति में सम्मान की बात कर रहे हो, उधर जेडीयू ऑफिस में बर्णवाल वैश्य महासभा और सभी जाति के लोग वहां पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको हक अधिकार मिला है, आप लोग सड़क पर आंदोलन, आप लोग आपस में एकजुट कब होंगे? बर्णवाल, हम भी जदयू में हैं, हम जिला अध्यक्ष हैं गया में जदयू के। हाँ, लेकिन अपने पिता से, अपने गार्जियन से, लोकतांत्रिक प्रणाली से हक मांगना नाजायज है क्या? ये तो आप बताइएगा। नहीं है ना, हम मांग रहे हैं, हम न्याय पूर्वक मांग रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों को आप अधिकार दीजिए। पार्टी के अंदर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? नहीं नहीं, आज तो पहला है, ये तो झांकी है, पूरा फिल्म बाकी है, पूरा फिल्म अभी बाकी है। हाँ, क्या फिल्म दिखाइएगा? फिल्म इसके बाद 29 दिसंबर को 50,000 बर्णवाल परिवार के लोगों को बुलाएंगे पटना में, अप्रैल में 2,00,000 लोगों को बुलाएंगे पटना में, और बुला कर करके मुखबधिर नहीं रहेंगे, बोलेंगे। जातिगत जनगणना हुआ है और बता रहा है कि बर्णवाल जाति बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है, 12 से 15 लाख लोग हैं सभी जिले में। सरकार बनाने में आप लोग भूमिका रखते हैं? 12 से 15 लाख लोगों की आबादी है भैया, आप हमको बताइए। अभी दिखाते हैं, दिखाना पड़ेगा। उन्होंने पेड़ लगाने का काम, ये भास्कर जाति के लोग हैं, ये 37 लोग हैं बिहार में, 37 लोगों का कोड अलग है। ये जदुपतिया जाति के लोग हैं, ये 93 लोग हैं बिहार में, इनका जाति कोड अलग है। ये है 338 लोग कोस्ता जाति के लोग, इनका कोड जाति अलग है। बर्णवाल जाति को आप 21 जाति के साथ जोड़ दिए और जोड़ करके जाति कोड 122 बना दिए और आबादी 30 लाख बता दिए और 30 लाख को डिवाइड करेंगे 21 जगह तो 1,42,000 आएगा। तो हमारा आबादी 1,42,000 हो गया, लेकिन साजिश के तहत तोड़ दिया गया है। तो उसी को बताने के लिए, उसी को जगाने के लिए, उसी को सही बात दिखाने के लिए, और नहीं मानेंगे तो 29 दिसंबर को चिल्लाएंगे, उसके बाद नहीं मानेंगे तो गर्जना करेंगे, शंखनाद करेंगे अप्रैल में 2,00,000 लोगों के साथ, उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हम लोग तय करेंगे कि आपका बपौती अधिकार है, सरकार किसका होना चाहिए अभी तय कर लेंगे। हाँ, कि आप ही का है, हम पर ठप्पा लगा हुआ है कि हम लोग वोट उसी को देते हैं, ठेप्पा हटाएंगे हम लोग अपना। ठप्पा तो लोग कहता है कि बीजेपी को वोट देते हैं, कहता है, आप जानते हैं ये बात ना? नहीं, पार्टी के लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग देते हैं, ठप्पा हटाएंगे हम अपने लोगों, खून खानदान के लोगों से। आप वोट ऐसे ही दे ही दीजिएगा तो फिर टिकट काहे मिलेगा? तो ही ना, वो ठप्पा हटा देंगे तब टिकट मिलेगा, हट जाएगा अगर बात नहीं मानेगा तो। 100 एक बात बताइएगा, बर्णवाल जाति जैसे पता नहीं चलता है, बर्णवाल जाति
मूलतः वैश्य से हैं, कितने टाइटल हैं जो वैश्य समाज से हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। 36 नए लोग नहीं जानते। 36 उपजाति है, 36 हो जाती है। बिहार में यादव समाज के लोग 7 उपजाति है और 7 उपजाति एक साथ जोड़ दिया आपका 36 अलग अलग कर दिया। समझ गया, समझ गया। उसके बारे में बनिया को 7 उपजाति को जोड़ करके 14% कर दिया और हमारा 26% को 36 उपजाति को तोड़ कर करके 2-2% 1% में बांट दिया। बुड़बक बनाते हैं आप लोग। असल में है कितना परसेंट? 26% आबादी है बिहार में हमारा। 26% बन गया। हाँ, तो अकेले सरकार बना लीजिए। हाँ, फिर आप लोगों को क्यों इतना पीछे रखा जाता है? बोलते नहीं है ना, दिखाते नहीं है ना, व्यापार करते हैं ना, तो व्यापार अब बंद करेंगे। व्यापारी डरता है राजनीति से? ना, डरेगा नहीं, अब आगे बढ़ेगा। और आज शंखनाद हो गया, अब चले हुए एक नेतृत्व के चले हुए मार्ग को सभी नेतृत्व प्रशस्त करेंगे। पार्टी वाला कहेगा कि हम बाकी बनिया का बात छोड़ दीजिए, आपको टिकट दे देते हैं। लड़ाई नहीं चाहिए ना, टिकट नहीं मांग रहे हैं भैया। आपको टिकट नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आप कहा ना सत्ता में भागीदारी चाहिए। चाहिए हमारे खून और खानदान के लोगों को चाहिए। राजू बर्नवाल को नहीं। राजू बर्नवाल की बात नहीं होगी, कुल खानदान की बात। क्या क्या रणनीति है आगे, कैसे कैसे लड़ाई लड़िएगा? तो बोले तो कि अभी तो झांकी आज है, फिल्म बाकी है, आगे आगे देखिए। 29 दिसंबर का आपको न्योता दे रहे हैं कि 29 दिसंबर को मिलर स्कूल में जरूर आइएगा, हम बुलाएंगे। कितने लोग आएंगे? 50,000 लोग। पूरे बिहार से लोग आएंगे? हाँ। बिहार के बाहर के लोग भी समर्थन कर? एक भी नहीं, नहीं, एक भी नहीं, सब बिहार के लोग रहे, खाली बिहार। इस बार मैंने पूरा जी एक ही जाति, वो भी बर्नवाल जाति, बर्नवाल जाति के। और उसमें जैसे 36 जाति बताया तो 3600 जाति सम्मिलित होगी उसमें? ना, खाली बर्नवाल। तो इस तरीके से आपने देखा कि बर्नवाल जाति ने मोर्चा खोल लिया है, जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि जेडीयू कार्यालय में बर्नवाल जाति के, गुप्ता जाति के, वैश्य महासभा के लोग हैं, सो शामिल हो रहे थे बड़ी संख्या में। वहीं एक बर्नवाल समाज का राजीव बर्नवाल के नेतृत्व में यहां धरना गर्दनीबाग में धरना स्थल पर जुटा है, जो अपनी मांगों को मांग रहा है। और इनकी जो जाति है, जो दावा करना है कि जैसे यादव में है 7 उपजातियां हैं और 7 उपजातियों को एक साथ समाही करके जोड़ा गया है, लेकिन बर्नवाल में 36 उपजातियां हैं और उन सबको अलग अलग जोड़ के साजिश के तहत संख्या को कम दिखाया गया है। तो जो अब वैश्य जो बिजनेस करता था वो सरकप पर उतार के अपना अधिकार भी मांगने लगा है। गोली और गाली खाने की बात अब नहीं होगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।